मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके और उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। काफी कैंडिडेट है छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाता है। मेडिकल की प्रक्रिया है वो आपके लास्ट चरण में होती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस या फिर यूपी पुलिस, किसी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो आपके डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इनके ट्रीटमेंट भी साथ साथ हमें इसके बारे में बताता जाऊंगा कि इसका कौन सा ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट है जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए और उनके तक क्या है कि पूरी जानकारी सटीक जानकारी पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने एक ये पॉइंट बना हुआ है, ये मेल कैंडिडेट के जनरली नॉर्मल सा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये मेटल स्टेनोसिस। मेटल स्टेनोसिस होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, मेल कैंडिडेट में जो आपका जो पेनिस का ओपनिंग है वो प्रॉपरली जनरली ना होकर क्या है कि छिद्र है वो थोड़ा सा क्या है कि संकीर्ण रहता है, यानी कि कम ओपन रहता है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी पॉइंट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेटल स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पर क्या है कि छोटा सा कट लगाकर है जो आपका जो ओपनिंग है वो पूरी तरीके से प्रॉपर जनरली कर दी जाती है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसको आपको ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करें कि एक कैंडिडेट पूछ रहे थे स्पिंट का पॉइंट क्या होता है। स्पिंट क्या होता है, सबसे पहले जानना होगा जो आपके क्या है कि मेडिकल ऑफिसर है वो आपके पेन की नोक की तरफ आपको देखा कर और बोलता है कि इसकी तरफ आपको क्या है कि देखना है। तो वो जैसे जैसे पेन को घुमाता है वैसे वैसे आपको अपनी आंखों को क्या है कि उसकी पेन की नोक की तरफ आपको देखना है। तो आपको सावधान इस प्रकार रखनी है कि आपकी जो गर्दन है वो हिले ना। अगर आपकी गर्दन हिल गई तो क्या है कि आपको पॉइंट बन जाएगा और जनरली क्या है कि वो रीमेडिकल में भी फिट हो जाता है, परंतु अगर आपने रीमेडिकल में भी वो गर्दन हिला दी तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी पॉइंट बन रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपका जो सर्जरी कराकर भी आप इसको ठीक कर सकते हो और जनरली क्या है कि आप इसकी एक्सरसाइज करके भी और जो स्क्विंट का पॉइंट है उसे भी ठीक कर सकते हो। इसका जनरली है जो 4 से 5 एक्सरसाइज होता है और उस वो एक्सरसाइज कर लोगे तो ये जनरली क्या है कि आपका 40 से 50 दिन के अंदर ये ठीक होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार का अगर माइल्ड पॉइंट है तो वो भी जनरली फिट भी हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, टंग टाई। टंग टाई होता है क्या है, जो आपकी जीभ है वो प्रॉपर क्या है कि ऊपर की ओर अगर तलवे पर टच नहीं हो रहा है और आपका जो जीभ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रकार का जो आपका टंग है उस पॉइंट को बोलते हैं टंग टाइप। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पर क्या है कि छोटा सा कट लगाकर इसको क्या है कि रिमूव कर दिया जाता है जिससे आपका जो जीभ है पूरी तरीके से फ्री होकर ऊपर की ओर तलवे पर टच होने लगती है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका छोटा सा सर्जरी है, मात्र है 10 दिन के अंदर आपका सर्जरी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर मेडिकली पॉइंट है तो इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। और नेक्स्ट कैंडिडेट पूछ रहे थे गायनोगोनेस्टिया। गायनोगोनेस्टिया होता है क्या है, जनरली मैं बता दूं कि गायनोगोनेस्टिया होता है जो आपके जो मेल कैंडिडेट की बात करूं कि जो उनका निपल्स होते हैं वो क्या है कि फीमेल की तरह निपल्स दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो निपल्स दिखाई देने लगते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं गायनोगोनेस्टिया। गायनोगोनेस्टिया का अगर पॉइंट है तो अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का अगर गायनोगोनेस्टिया है तब तो क्या है कि आप उसको पुशअप लगाकर और जनरली क्या है कि उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु अगर आपके सेकेंड और थर्ड ग्रेड का अगर गायनोगोनेस्टिया बन रहा है तब क्या करना है कि आपको वहां पर सर्जरी लेना पड़ेगा। सर्जरी क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाया जाता है जो आपके निपल्स होते हैं उसके नीचे छोटा सा कट लगता है जिसकी वजह से आपका जो क्या है कि सर्जरी हो जाता है और मात्र इसकी जो सर्जरी है 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है, परंतु आपका जो स्क्रेच मार्क है वो मात्र है 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप क्या है कि उसको हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और इस प्रकार की अगर आपके गायनोगोनेस्टिया बन रहा है तो उसका क्या है कि आपको सर्जन से कंसल्ट करना है अन्यथा आपको क्या है कि पॉइंट बनना तय है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन होता क्या है।
अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु ये भी एक क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। कुछ सेंटर पर क्या है कि इस प्रकार का पॉइंट चेक नहीं भी किया जाता, परंतु कुछ सेंटर पर क्या है कि ये पॉइंट है अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन का, ये पॉइंट भी चेक किया जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट किस प्रकार से चेक करते हैं मेडिकल ऑफिसर, आपको टॉयलेट सीट पर जो बैठा जाता है उस प्रकार से आपको बैठाया जाता है और दोनों हाथों को क्या है कि इस प्रकार ऊपर ले जाकर, और आपको बोला जाता है कि दोनों हाथों को क्या है कि कंधे पर इस प्रकार से ऊपर करना है, और अगर आपके दोनों हाथ पूरी तरीके से प्रॉपरली ऊपर नहीं जा रहे तब क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो इसका छोटा सा एक क्या है कि एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज अगर आप मेडिकल में कर कर चले जाओगे तो जनरली क्या है कि आप 20 से 25 दिन अगर वो एक्सरसाइज कर लोगे तो जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, अगर इस अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन बन रहा है तो भी उसका ट्रीटमेंट यानी कि वो एक्सरसाइज करके आपको मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एक निरे पूछ रहे थे कि जो इनके क्या है कि फ्लैट फुट, फ्लैट फुट होता है जो फॉलन आर्च और हाई आर्च दो प्रकार के आपके फ्लैट फुट बनता है। कि हाई आर्च में तो क्या होता है कि जो आपके इस प्रकार से क्या है कि एक ब्रिज आकार का क्या है कि आपका फुटप्रिंट बन जाता है, और जो फॉलन आर्च होता है वो क्या है कि एक सपाट तरीके से आपका फुटप्रिंट बनता है। इस प्रकार का अगर फुटप्रिंट बन रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार अगर फ्लैट फुट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, मात्र है वो अगर आप 25 से 30 दिन अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो ये छोटा सा पॉइंट है और उसको ठीक करके और आप मेडिकल में जा सकते हो। अगर इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। एक कैंडिडेट मैसेज कर रहा था कि सर आपके जो फोन पे नंबर है वो मेरे को दीजिए कि आपको जो पैसे सेंड करने हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों का मेरे को प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरे के साथ क्या है कि सहयोग करना चाहते हो तो इस वीडियो को क्या है कि आप अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे को आपको केवल आपका प्यार चाहिए और पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है। अगर फंगल इन्फेक्शन है वो अगर आपके प्राइवेट पार्ट, और जनरली क्या है कि प्राइवेट पार्टों पर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो इस प्रकार के अगर फंगल इन्फेक्शन बन रहा है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है। छोटा सा फंगल इन्फेक्शन है, मात्र अगर आपका 10 दिन का अंदर भी क्या है कि आप फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो, और अगर आपने फंगल इन्फेक्शन के साथ अगर मेडिकल में जाते हो तो क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। फंगल इन्फेक्शन में क्या है कि आपको रीमेडिकल में भी राहत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका 24 घंटे में रीमेडिकल हो जाता है और 24 घंटे में आपका क्या है कि फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक भी नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, आपको अपना ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर फंगल इन्फेक्शन का क्या है कि वो मार्क बन गया है यानी स्क्रैच मार्क रह गए तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके फंगल इन्फेक्शन का मार्क बना हुआ है तो वो जनरली फिट हो जाता है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे डीएनएस, डीएनएस होता है क्या है, जो आपकी जो नाक की हड्डी है वो बढ़ जाती है या आपका नाक टेढ़ा है, तो वो भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर आपके माइल्ड डीएनएस है तो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है, अगर माइल्ड डीएनएस नहीं है तो क्या है कि आपका 1 मंथ सर्जरी है पुराना फिट हो जाता है। डीएनएस का सर्जरी है वो 1 मंथ पुराना डीएनएस है तो आपके क्या है कि सर्जरी है फिट हो जाता है। और अगर आपके डीएनएस का पॉइंट बन रहा है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अगर मॉडरेट डीएनएस है तो आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या इनको प्रॉब्लम होगा, तो मैं बता दूं दोस्तों ये बोनियन का प्रॉब्लम है यानी कि इनके हेलोक्स वल्गस बन रहा है। ये इनका जो एक पैर है वो तो नॉर्मली ठीक है, परंतु जो इनका लेफ्ट पैर है वो उसमें क्या है कि इनके वी आकार बन रहा है यानी कि हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बन रहा है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और आप स्प्लिंट यूज करके क्या है कि इसको ठीक कर सकते हो। अगर आप इसके साथ आते हो मेडिकल में तो आपको क्या है कि बाहर होना पड़ेगा, तो इसका क्या है कि टाइम रहते हुए आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। और इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो 40 से 45 दिन में अगर आप इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे जनरली ठीक हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नाखून है वो इस प्रकार से उखड़ गया है, तो जनरली क्या है कि आपका जो नाखून होता है वो 1/4 उपस्थित है तो जनरली फिट हो जाता है। तो ये क्या है कि कैंडिडेट है वो फिट हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कैंडिडेट के क्या बना हुआ है कि इस प्रकार का बर्थ मार्क बना हुआ है, बर्थ मार्क अगर बॉडी पर आपके है तो वो क्या है कि जनरली फिट पॉइंट है। तो आपके ये कैंडिडेट पूछ रहे थे तो इनको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, बर्थ मार्क कितना भी बड़ा हो वो जनरली क्या है कि फिट हो जाता है।
ये किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, ये एक फिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करें तो ये थोड़े कुछ मेडिकल संबंधित जो आपके डाउट थे उनको क्लियर किया है। और बात करते हैं कि आपका बीपी का पॉइंट, नॉर्मल सा एक पॉइंट बनता है बीपी का पॉइंट। बीपी के बारे में आपको मेडिकल से संबंधित जानकारी रहना चाहिए। अगर आप मेडिकल में जाते हो तो आपको पहले क्या है कि अपना बीपी है वो मेजर करवा कर ही जाना है। बीपी की बात करें तो जनरली आपका जो होता है वो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80, और इसकी जो जनरल रेंज देखा जाता है तो 100 से 140 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, और आपका है 60 से और 90 तक आपका क्या है कि डायस्टोलिक होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है कि आपका बीपी का रेंज होना चाहिए। और जनरली बात करते हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन की बात करें, कि कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के अंदर, तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके हीमोग्लोबिन का पॉइंट की बात करें तो आपका HB होना चाहिए, मेल कैंडिडेट में होना चाहिए आपका 12 से 16 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और फीमेल की बात करें तो 10 से 14 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इस रेंज में आपका हीमोग्लोबिन नहीं आ रहा है तो क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो अभी आपका CRPF का मेडिकल हुआ था उसमें 0.01 हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या है कि मेल कैंडिडेट को मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार का छोटा सा पॉइंट है, अगर इनको पता चल जाता तो वो क्या है कि 2 से 3 दिन में इसको बढ़ाकर और मेडिकली फिट हो सकते थे। ऐसी गलती करके आपको नहीं करना है, छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आपको मेरे को मैसेज करना है, और इस वहाँ पर आपको क्या है कि कंप्लीट जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध है, अगर आप भी प्री मेडिकल करवाना चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पर आप बुकिंग ले सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार और जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।